धाकड़ खबर, बेखौफ सुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो तस्वीरें दो अलग अलग राज्यों से आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन दोनों तस्वीरें एक ही पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका आजकल एक नया नाम बन गया है, भारतीय जासूस पार्टी। हालांकि हमारे एक साथी हैं, वो एक नया ही नाम निकाल के लाए हैं, भागो जनता पकड़ेगी। एक नया नाम है, काफ़ी टाइम पुराना था ये नाम, वैसे आज तक लोग जानते नहीं थे, लेकिन आप भी नोट कर सकते हैं, भागो जनता पकड़ेगी। तो उसी पार्टी से जुड़ी हुई दो तस्वीरें, एक उत्तर प्रदेश से और दूसरी तस्वीर है राजस्थान से। उत्तर प्रदेश की तस्वीर में आप देखेगा कि कैसे एक विधायक को लोगों ने बता दिया कि जनता क्या होती है, और दूसरी जगह राजस्थान की तस्वीर जहां किसानों ने बीजेपी के एक नेता को पीटा भी, कपड़े भी फाड़ डाले। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर की तरफ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर का सबसे पहले इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही देश के राष्ट्रपति आते हैं, और उत्तर प्रदेश से मोदी सरकार के 15 केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं, ओबीसी समाज के मंत्री बना दिए गए हैं, महिलाओं को मंत्री बना दिया गया। यह अलग बात है कि ओबीसी समाज की मंत्री वो महिलाएँ तब नहीं बोलती हैं जब ओबीसी समाज के लोगों के साथ कोई घटना दुर्घटना होता है, वो सिर्फ अपनी मलाई खाने में लगे हुए हैं कि महाराज ने कृपा कर दिए, मंत्री बना दिया, गाड़ी में बैठो, बंगला लो, मस्जिद करो। तो तस्वीर उभरती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से, ज़िले का नाम है हापुड़, और हापुड़ का एक इलाका है बहादुरगढ़। वहाँ पर एक गांव है ढोलपुर नानाई। ये हमारे पत्रकार साथी वसीम खान ने तमाम तस्वीरें हमारे पास भेजी हैं, कैसे यहाँ विधायक के साथ ग्रामीणों द्वारा क्या किया जा रहा है। पहले आप तस्वीरों की ज़बानी देख लीजिए, फिर कुछ और चीज़ें आपके सामने रखूँगा। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें, बिचारों ने कार्य कर्म नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि यहाँ की महिला प्रधान चुनी गई हैं निशा, उनके पति हैं रविंदर, वो भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे। नाराजगी थी कि चार साल में पहली बार, चार साल से तो ज़्यादा ही हो रहे, पाँच साल होने जा रहे हैं, तो पहली बार विधायक महोदय इस गांव में पहुंचे। आजकल उनकी पदयात्रा चल रही है, तो उसी पदयात्रा के दौरान वहां पहुंचे, लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सीवर के इस पानी में, जो नाली का पानी है, सीधा सीधा गए, उसमें उतार दिया। विधायक को बता दिया कि क्या विकास कराया है और कैसे विकास कराया जाता है, और इस विकास की गंगा जो सड़क पर बह रही है उसका सामना लोगों को रोज़ करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने विधायक को भी इस विकास की गंगा में डुबकी लगाने की कोशिश की। आ जाओ भैया, तुम भी उतर जाओ। तो ये हुआ, इसके बाद उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। कैसे सुनाई वो भी सुन लीजिए। छोटे बच्चे हैं, आए जय विधायक जी के पास, कभी जय विधायक जी के पास आप बाहर के लोगों का ऐसे ही सम्मान करते हैं क्या? ऐसे व्यवहार होता है क्या प्रधानमंत्री में? आप लोग कर सकते हैं जो सम्मान इतना नहीं है, मदन चढ़ा के यहाँ वोट लगाएंगे, मदन चढ़ा के वहाँ वोट लगाएंगे,
अब आप कहेंगे कि सारी राम कथा सुना दी लेकिन विधायक का नाम नहीं बताया, तो आपके सामने विधायक का नाम भी बता देते हैं। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट है, वहां से बीजेपी के विधायक हैं कमल सिंह मलिक, उनका नाम बताया जा रहा है। अब ये वीडियो, तस्वीरें, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इस बाबत हमारे पत्रकार साथी ने गांव में जाकर एक युवा से बात की, पूछा कि हुआ क्या था, तो किस तरीके पर उस पर पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन ली। ये तो पता ना क्या विषय था, 4 साल में पहली बार आए जब से बने हैं गाँव में। अच्छा, पहली बार आगमन हुआ है? हाँ जी। इससे पहले कभी विधायक जी का आगमन नहीं हुआ गाँव में? नहीं जी। नाराजगी की कुछ नहीं जी, हम भी भाजपा के आदमी हैं और घर से आए हैं। हमें नाराजगी इस बात की है जी, गांव में बीमारी चली, 20-25 लौंडे जवान नाने से चले गए, उन्हें कोई जिंदा या कोई पैसे तो देते नहीं, मगर उनको दिलासा देने के लिए भी उनके घर पर नहीं आए, ये हम उनसे नाराज हैं। हमसे इन्होंने पूछी कि भाई ऐसा होता है भैया, घबराओ मत, या कोई हमें दिलासा नहीं देता। तो ये हुआ हाल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का, जहां बीजेपी विधायक को ग्रामीणों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारे में विधायक का कोई पक्ष अभी हमारे पास नहीं आ पाया है। अब चलते हैं यहां से राजस्थान की तस्वीर की तरफ। राजस्थान की तस्वीर सामने आई श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर जिले का गंगा सिंह चौक यानी कि एक चौराहा है, वहां पे बीजेपी SC ST प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, नाम है उनका कैलाश मेघवाल, लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं पहले तस्वीरों की जबानी देख लीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं, तो जो आरोप लग रहा है वो किसानों पे लग रहा है। पुलिस का कहना है कि किसानों ने किया, हालांकि कैलाश मेघवाल को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत की और इसके अलावा पुलिस ने भी लाठीचार्ज करके आरोपी किसानों को वहां से खदेड़ा, लेकिन फिर भी किसानों ने किस तरीके से मारपीट कर बीजेपी नेता का कुर्ता फाड़ डाला, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष का, और वो भी एक ऐसी समाज से आने वाले बीजेपी के नेता का, तो आप समझ सकते हैं लोगों में किस तरीके का गुस्सा है। बता दें आपको, ये लोग महंगाई के खिलाफ, बढ़ती महंगाई है भाई वहाँ पे, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना मुंह रखने के लिए, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो प्रदर्शन करेंगे नहीं, तो वहाँ मुँह रखने के लिए प्रदर्शन। ऐसे ही सिंचाई की समस्या को लेकर वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था, गाँव वालों को, किसानों को इस बात की जानकारी मिल गई, वो वहाँ मौके पर पहुँच गए और उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया। बता दें इससे पहले ऐसी तस्वीरें पंजाब से उभरा करती थी, ऐसी तस्वीरें हरियाणा से उभरा करती थी कि बीजेपी विधायक को मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसकी गाड़ी के साथ इस तरीके का कर दिया, या जो है उसके घर के बाहर किसानों ने इस तरीके का धरना प्रदर्शन किया, या मंत्री को दौड़ा दिया। तमाम तस्वीरें जो हैं पंजाब और हरियाणा से आया करती थी, पहली बार ऐसी तस्वीर राजस्थान से आई है, और उत्तर प्रदेश से जो तस्वीर आई है खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से, वो भी दिखा रही है कि लोगों में किस कदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर चुनाव होना है, इसके अलावा उत्तराखंड में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, और इसी तरीके से मणिपुर और गोवा में भी 5 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन उसी के साथ साथ और भी बहुत कुछ होना है जो एक खास रिपोर्ट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये दो तस्वीरें उभर रही थी, मुझे लगा आपको इससे रूबरू कराया जाए, हालांकि आप हो सकता है इनसे रूबरू हो भी चुके होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे से पहले तस्वीरें आपके पास पहुँची जाती हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।